नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने जो मैथ के अंदर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसका नाम था दोस्तों प्रोबेबिलिटी। तो हमने पहले पार्ट के अंदर दिखाया कि जो हमारी ये प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, जिसको पर्यक्ता कहते हैं, इसका मेन फार्मूला क्या होता है। ये रियल में प्रोबेबिलिटी, जिसको हम संभावना कह सकते हैं, जिसको हम कैन भी बोल सकते हैं, कि ये रियल में क्या होती है, इसका ये जो फार्मूला बना था PE प्लस PE नोट बराबर 1, ये दोस्तों पूरा एक्सप्लेन किया था हमने। उसके बाद आपको बताया था कि क्वाइंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डाइस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको दोस्तों बनाने सिखाए गए थे। तो दोस्तों अब चलते हैं, आज हम करने जा रहे हैं एडवांस मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर ये प्रोबेबिलिटी को एडवांस के अंदर लेके जाएं तो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवांस मैथ के अंदर आज प्रोबेबिलिटी को देखेंगे दोस्तों क्या चीज होती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। तो पहले आइए दोस्तों उस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो पहला आज का एग्जाम्पल क्या है, एक यादृच्छिक आधार पर लीप वर्ष में, एक यादृच्छिक आधार पर लीप वर्ष में 53 रविवार यानी कि संडे होने की पर्यक्ता बताओ। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इस एक ही एग्जाम्पल के अंदर मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म करूंगा, आपको बनाने सिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। उसने क्या बोला कि एक यादृच्छिक आधार पर, यादृच्छिक का मीन क्या होता है दोस्तों, बिना देखे, यादृच्छिक आधार पर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना बताओ। दोस्तों ये हम क्लियर नहीं बता सकते, तभी इसके अंदर वर्ड यूज किया गया संभावना, और संभावना का मीन क्या होता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होता है। तो आइए दोस्तों देखिए क्या करेंगे। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो लीप वर्ष होता है ये क्या होता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, साधारण वर्ष होता है वो क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा या तो यहां पर लीप वर्ष लिखेगा या वहां पर क्या लिखेगा दोस्तों, साधारण वर्ष लिखेगा। अब देखो दोस्तों लीप वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं, और साधारण वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं 365 होते हैं। तो यहां पर देखना दोस्तों, अब आपको यह पता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब उसने पूछा है 53 रविवार होने की संभावना बताओ, कि क्या लीप वर्ष के अंदर 53 रविवार हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो ध्यान से देखना, 7 5 35 और 16, 7 दूनी 14 और 2, यानी कि ये 2 दिन क्या बचेंगे दोस्तों, एक्स्ट्रा डे बचेंगे, अतिरिक्त दिन। यानी कहने का मीनिंग है कि एक लीप वर्ष के अंदर अगर 52 का बात करूं कि 52 जो आएंगे, 52 ही रविवार आएंगे, 52 ही क्या आएंगे, सोमवार आएंगे। दोस्तों एक लीप वर्ष के अंदर 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, यानी ये सारे के सारे दिन 52 आते हैं दोस्तों। अब यहां पर उसने क्या पूछा है कि 53 रविवार होने की संभावना। अब दोस्तों दिन तो बचते हैं 2, अब 2 दिन जो बचते हैं ये हम क्लियर नहीं बता सकते कि वो जो 2 दिन बचे हैं वो सोमवार और मंगलवार के बचे हैं, या बुधवार या वीरवार के बचे हैं, या शुक्रवार या शनिवार के बचे हैं, वो दोस्तों हम क्लियर नहीं बता सकते। तो दोस्तों कितनी संभावना होगी, अब हम आंसर क्या देंगे दोस्तों, कितने दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में संभावना बनेगी 53 रविवार होने की, और वीक में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 2/7 आएगा। तो यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान देना, अगर
लीप वर्ष और 53 रविवार पर आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे क्या आ गया यहां पर एक यादृच्छिक आधार पर लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता बताओ, 53 बुधवार होने की प्रायिकता बताओ, 53 शुक्रवार होने की, शनिवार होने की, रविवार होने की। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो आपका जो आंसर है वो आपका दोस्तों 2/7 ही रहेगा। तो ये था दोस्तों लीप वर्ष पर। अगर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाए, यहां पर मैं चेंज क्या कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं साधारण वर्ष। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये किसका बन चुका है, साधारण वर्ष का, यानी एक यादृच्छिक आधार पर साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, इसी तरह 53 सोमवार होने की, 53 मंगलवार, 53 बुधवार, 53 क्या आएगा दोस्तों वीरवार, इसी तरह 53 शुक्रवार फ्राइडे, 53 सैटरडे। ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप एक ही फार्मूले कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। अब दोस्तों यहां पर देखो कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर क्या आएगा जब साधारण वर्ष का पूछा जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 1/7 दोस्तों, क्योंकि एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा। वो हम क्लियर नहीं बता सकते कि वो सोमवार का बचेगा या मंगलवार का या बुधवार का या शुक्रवार का। तो दोस्तों उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, 1/7 आएगा। तो दोस्तों क्या देखा, जब भी एक यादृच्छिक आधार पर साधारण वर्ष या आपका लीप वर्ष का प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको स्पष्ट लिखेगा कि पर्यक्ता बताओ, पर्यक्ता का मीन प्रोबेबिलिटी बताओ। तो दोस्तों उस केस में आप ध्यान देना कि अगर लीप वर्ष का क्वेश्चन है तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2/7, चाहे दिन वो कुछ भी दे दे, रविवार सोमवार मंगलवार। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है आपका किसका, साधारण वर्ष का, तो दोस्तों उस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, 1/7। तो कोई पूछ भी ले तो आप बोल देना कि लीप वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं और साधारण वर्ष के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, ये दोस्तों उसका रीजन होता है। तो आइए दोस्तों अब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर सेकेंड टाइप करते हैं तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह से मैं एक ही एग्जांपल लेके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक थैले में मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक थैले में 4 तो मैंने लाल, 3 मैंने ले ली दोस्तों हरी और 5 मैंने ले ली दोस्तों नीली। देखो दोस्तों बोल कुछ भी ले ले, मैंने क्या करा, एक थैले में 4 लाल, 3 हरी और 5 नीली मैंने क्या ले ली दोस्तों, बाल, यानी कि मैंने गेंदे ले ली। अब आपसे वो क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों, क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा गेंदे हैं थैले में बिना देखे, क्या बोलेगा, बिना देखे, या शब्द यूज करेगा यादृच्छिक आधार में एक गेंद निकाली जाती है, एक बॉल निकाली जाती है, एक बॉल निकाली जाती है, तो क्या क्या क्वेश्चन करेगा, तो आपसे पूछ सकता है निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता बताओ, लाल होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद हरी होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद नीली होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद लाल ना होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद हरी ना होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद नीली ना होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद हरी और लाल होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंद हरी या लाल ना होने की प्रायिकता बताओ। ये लो दोस्तों
एक ही एग्जाम्पल के अंदर मैंने 7-8 क्वेश्चन पुट कर दिए। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इन सारे के सारे क्वेश्चन का दोस्तों जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक ही रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग बना के देगा आपको। तो दोस्तों अब करना क्या है, यहां पर एक चीज नोट करना कि ये मैं आपको पहला टाइप पढ़ा रहा हूं। जब एक थैले में दोस्तों जब एक थैले में से बिना देखे एक गेंद निकालेंगे तो ये आपका है पहला टाइप, और दूसरा जो टाइप लगेगा दोस्तों वो आपका जाएगा एडवांस मैथ के अंदर। तब यहां पर क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन वहां पर कंडीशन क्या लगाएगा कि एक थैले में बिना देखे दो गेंद निकाली गई है। फिर क्वेश्चन आएगा दोस्तों दो गेंद निकालने वाला, और फिर क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों तीन गेंदे निकाले वाला। यानी कि एक थैले में बिना देखे हाथ डाल के आप एक गेंद निकालोगे वो एक वाला क्वेश्चन आ गया, बिना देखे दो निकालोगे दो वाला बन गया, बिना देखे तीन निकालोगे वो आपका दोस्तों तीन गेंदों वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों अब 1x1 ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको क्लियर करवाता हूं। तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले एक गेंद निकालने वाला बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको गेंद दे रखी है, जैसे आपको रेड दे रखी है 4, इसी तरह ग्रीन दे रखी है आपको 3, और ब्लू दे रखी है दोस्तों आपको कितनी 5। तो सबसे पहला आप क्या स्टेप उठाओगे, सबसे पहले आपने दोस्तों टोटल बॉल निकालनी है, चाहे वो क्वेश्चन एक गेंद निकालने वाला हो, चाहे दो गेंद निकालने वाला हो, चाहे तीन गेंद निकालने वाला हो। दोस्तों आपने टोटल बॉल सबसे पहले निकालनी है। तो टोटल जब करा 4 और 3, 7 और 5, 12, तो दोस्तों एक थैले के अंदर जो टोटल बॉल डाली गई है वो 12 डाली गई है। तो ये दोस्तों हमारा इन सारे क्वेश्चनों के नीचे जो आंसर लगेगा वो 12 लगेगा, यानी कि मैक्सिमम कंडीशन क्या है वो आपकी क्या रहेगी 12 रहेगी। अब दोस्तों 1x1 करके इन क्वेश्चनों को निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निकाली गई गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों यहां पर देखो कि जो रेड बॉल है वो आपकी 4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 4/12, यानी कि क्या आएगा 4/12, और कट के क्या आ जाएगा 1/3। दोस्तों अब देखो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, निकाली गई गेंद हरी होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों हरी गेंद कितनी है 3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/12, तो यानी कि दोस्तों 1/4। निकाली गई गेंद नीली होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों नीली गेंद कितनी है ब्लू 5, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 5/12 आएगा। ऐसे दोस्तों निकाली गई गेंद लाल ना होने की प्रायिकता बताओ, यानी कि उसने पूछा है कि जो इस थैले में से हमने जो एक गेंद निकालनी है वो लाल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जब लाल नहीं होनी चाहिए तो उस थैले में से लाल तो निकलेगी ही नहीं, तो दोस्तों वो गेंद किस कलर की निकल सकती है, या तो ग्रीन में से या ब्लू में से। तो दोस्तों हमारे पास कितने केस बनेंगे, टोटल बनेंगे 8, यानी कि फिर आपने क्या करना है इस लाल को छोड़ देना है और बाकी जो बची उनको जोड़ देना है, क्योंकि उनमें से एक गेंद वो निकलेगी। तो 5 और 3 क्या आएगा 8, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 8/12, तो आपका कट के क्या आ जाएगा 2/3। दोस्तों ऐसे उसने कहा है कि निकाली गई गेंद हरी नहीं होनी चाहिए, तो आप हरी को छोड़ दो, तो लाल और ब्लू को जोड़ दो, कितना बन गया दोस्तों 9/12। ऐसे उसने पूछा कि नीली नहीं होनी चाहिए, तो आप नीली को छोड़ दो, रेड और ग्रीन कितनी बची 7, तो 7/12। अब दोस्तों आगे देखो, उसने बोला है कि निकाली गई गेंद हरी या लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो दोस्तों अब जो गेंद वो निकलेगी हरी या लाल में से निकलेगी, तो आपने हरी और लाल को जोड़ के टोटल 12 लिख देना है। ऐसे दोस्तों उसने बोला
कि जो गेंद थैले में से निकालनी है वो हरी और लाल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हरी और लाल नहीं निकलेगी तो दोस्तों कौन सी निकलेगी, ब्लू में से वो एक गेंद निकलेगी, और ब्लू गेंद कितनी है दोस्तों हमारी, पांच। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/12। दोस्तों ये तो था एक गेंद थैले में से निकालना, ये तो दोस्तों आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, ये तो क्या था हमारा बेसिक जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। अब दोस्तों जो आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एडवांस के अंदर, दोस्तों जब गेंद कितनी निकलेंगी, दो, जब दो गेंद निकलेंगी, तीन गेंद निकलेंगी, तो दोस्तों आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। तो अब देखना दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मैं यही क्वेश्चन को रिपीट करूंगा दोस्तों, मैंने क्या लिया, एक थैले में चार लाल, तीन हरी, पांच नीली गेंदे हैं, यानी कि थैले में बिना देखे दो गेंद निकाली गई हैं, थैले में से बिना देखे दो गेंद निकाली गई हैं। अब वो पूछेगा कि निकाली गई गेंदे लाल होने की प्रायिकता बताओ, यानी जो दो गेंदे निकली हैं वो लाल होने की प्रायिकता बताओ, ऐसे क्या पूछेगा दोस्तों, निकाली गई जो गेंदे हैं वो हरी होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंदे हरी होने की प्रायिकता बताओ, ऐसे ही नीली होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंदे लाल ना होने की प्रायिकता बताओ, निकाली गई गेंदे हरी ना होने की प्रायिकता बताओ। दोस्तों क्वेश्चन सारे वही रहेंगे लेकिन कंडीशन बदल चुकी है, अब उसने क्या करना है, ये जो हमारा थैला है इसके अंदर चार लाल, तीन हरी और पांच नीली गेंदे हैं। अब दोस्तों उस थैले में हमने हाथ डालना है और बिना देखे देखना नहीं है, दो गेंद एक साथ निकालनी है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब दोस्तों हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, टोटल गेंदों, टोटल प्रायिकता पर बात करेंगे। जैसे देखो टोटल क्या है, जो हमारी रेड है वो कितनी है, चार, ऐसे ही ग्रीन कितनी है दोस्तों, तीन, और ब्लू कितनी है हमारी दोस्तों, पांच। अब टोटल बॉल कितनी होगी दोस्तों, 12। अब उसमें तो हम क्या करते थे कि उस थैले में से 12 गेंदे थी और एक ही निकालनी थी, तो आपको पता है दोस्तों वो एक गेंद किसी भी रंग में से निकल सकती थी। अब दोस्तों उस थैले में से हमने दो गेंद निकालनी है, तो दोस्तों वो दो गेंदों के लिए कितनी कंडीशन बन सकती है। अब आपको पता है दोस्तों जब मैं उस थैले में से हाथ डालूंगा वो क्या पता दोनों की दोनों लाल निकल जाए, क्या पता दोनों की दोनों हरी निकल जाए, क्या पता दोनों की दोनों नीली निकल जाए, क्या पता एक लाल निकले एक हरी निकले, क्या पता एक हरी निकले एक नीली निकले, क्या पता एक लाल के साथ नीली निकले। इस तरह से दोस्तों कितने टोटल केस बनेंगे, तो उसके बारे में दोस्तों अब जिक्र करेंगे। तो अब इस टॉपिक को दोस्तों ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैं आपको निकालने जा रहा हूं यहां पर नीचे वाला आंसर, जो नीचे आंसर आएगा, एक गेंद जब निकलेगी वहां तो नीचे आंसर ये टोटल गेंदे ही आता था अभी हमने क्वेश्चन किए। अब दोस्तों जब दो गेंद निकलेंगी, जब तीन गेंद निकलेंगी, तो 12 आंसर नहीं आएगा, आपने टोटल गेंदे नहीं लेना, वो क्या निकालोगे वही आपको समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों कैसे करोगे, अब आपने क्या करना है ध्यान से देखना, पहले टोटल करोगे, टोटल कितना आ गया जैसे 12, फिर 12 के पैर में सी लिखोगे, 12 के पैर में सी, और फिर सी के पैर में दोस्तों जितनी गेंदे निकालनी है, दो निकालनी है तो दो आएगा, तीन गेंदों वाला निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर तीन आएगा। अब दोस्तों 12C2 इसको मैं ओपन करना आपको सिखाता हूं, वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है दोस्तों, आप उसके अंदर इसकी पूरी स्टोरी देख सकते हो, यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब आपने इसको ओपन कैसे करना है 12C2 को, दोस्तों इस पहले तो टोटल इसको पकड़ो, 12 है तो 12, 15 तो 15,
अब 12 को आपने खोलना है जितना ये सी के पैर में दे रखा है। 12 को सी के पैर में दो दिया है तो 12 को दो बार खोलेंगे, और खोलेंगे कैसे, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो खोलो 12 × 11, ये लो दोस्तों दो बार खोल दिया। ऐसे नीचे है, दो है तो वो दो बार खुलेगा, तीन है तो वो भी क्या करेंगे दोस्तों, हम तीन बार खोलेंगे। तो क्या आया दोस्तों, 2 और 1, इसको इससे काटा 6, तो हमें क्या मिला, 66। तो अब दोस्तों 66 तरीके बनेंगे कि हम एक साथ दो गेंदों को निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों के नीचे जो आंसर लगेगा वो क्या आएगा आपका दोस्तों, 66, यानी कि 66 आएगा ना कि 12 आएगा, ये चीज ध्यान देना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब उसने पहला क्वेश्चन बोला है, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो उस एक गेंद वाले में हम क्या करते थे, लाल गेंद 4 थी और टोटल 12 थी, तो हम आंसर क्या लिख देते थे, 4/12, 1/3 आंसर लिख देते थे। अब इसमें नहीं आएगा, अब दोस्तों इसमें नीचे तो क्या आएगा, 66 आएगा, अब ऊपर आंसर कैसे आएगा तो देखना। अब दोस्तों उसने कहा है कि जो दोनों गेंद निकालनी है वो लाल होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लाल में से निकालेंगे दो गेंदें वो। अब लाल कितनी है, 4, वही वैसे ही 4 के पैर में सी, सी के पैर में 2, जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऊपर लिखेंगे। तो अब इसको खोलो, 4 को दो बार खोलेंगे, 4 और 3, 2 को दो बार खोलेंगे, 2 और 1, कट गया, क्या आ गया दोस्तों, 6, तो 6/66 कट के आंसर क्या आएगा, 1/11। दोस्तों ये आपको बात समझ में आ गई होगी, यही एक एडवांस मैथ का फंडा है। जब दो गेंद निकलेंगी तो आपका आंसर क्या आया, निकाली गई गेंद लाल होने की जो पर्याप्तता आएगी वो 6/66 यानी 1/11 आंसर आएगा, ना कि 4/12 और 1/3 आएगा। ये दोस्तों आंसर आएगा जब एक गेंद निकलेगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, ध्यान से देखना आगे उसने क्या बोला है, कि जो निकाली गई गेंद है वो हरी में से निकालनी है। अब दोस्तों नीचे तो आंसर 66 ही रहेगा, अब हरी कितनी है, 3, अब 3 में से दोस्तों 2 निकाल दो, ओपन करोगे 3 2 2 1, तो 3/66 कट के दोस्तों 1/22 आंसर आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आप क्या करोगे, नीली गेंद निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहां पर अगली कंडीशन देखो, कि जो हमने दो गेंद निकालनी है वो लाल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जो दो गेंदे हैं वो लाल में से नहीं निकलेंगी। तो दोस्तों वो दो गेंदे किस में से निकलेंगी, जा तो हरी में से, जा ब्लू में से, जा एक हरी, जा एक ब्लू, जा दोनों ग्रीन, या दोनों ब्लू। अब दोस्तों वही करेंगे, नीचे तो आपका आंसर वही दोस्तों 66 रहेगा। अब आप इसमें क्या करोगे, कि लाल में से गेंद नहीं निकालनी, तो आप ग्रीन और ब्लू में से निकलेंगी ना, तो आप ग्रीन और ब्लू को जोड़ लोगे, 3 और 5 कितना हो गया, 8। अब इस 8 में से 2 निकालोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 8 को खोलो 2 टाइम, 2 को 2 टाइम, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28। अब इसको दोस्तों काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये था दोस्तों, जब लाल ना हो, ऐसी हरी ना हो, तो आप हरी को छोड़ देना, तो आप क्या करोगे, लाल और ब्लू को जोड़ देना, 4 और 3 5 9, 9 में से 2 गेंद निकलेंगी, 9C2, ऐसे दोस्तों नीली में से। तो अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर एक चीज और सुनो, नेक्स्ट जो टाइप है उसने बोला है कि जो निकाली गई गेंद है वो हरी और लाल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो दो गेंदे निकालेंगे वो हरी और लाल में से नहीं निकलेंगी। तो दोस्तों वो किस में से निकलेंगी, फिर ब्लू में से निकलेंगी। तो ब्लू कितनी है, 5,
पांच के पैर में सी, सी के पैर में दो, और नीचे दोस्तों आपका क्या रहेगा 66। इसको ओपन करोगे आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों आपने क्या सीखा कि जब एक थैले में से दो गेंद निकाली जाएंगी, अगर दोस्तों आपको ये दो वाला समझ में आ गया तो आप तीन वाला भी कर सकते हो, अगर फ्यूचर में चार वाला आ जाए तो चार गेंदों निकालने वाला भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको तीन गेंदे निकालने वाला भी करके दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखना दोस्तों क्या करोगे। टोटल गेंद हमारे पास कितनी है, जो रेड है वो है चार, ग्रीन है वो कितनी है दोस्तों तीन, और जो ब्लू है वो कितनी है पांच। टोटल तो करना ही करना है दोस्तों, कितना हो गया 12। अब क्वेश्चन यहां पर मैं चेंज करने जा रहा हूं कि एक थैले में चार लाल तीन हरी पांच नीली बॉल हैं, थैले में बिना देखे यादृच्छिक तीन गेंदे निकाली जाती हैं दोस्तों, तीन गेंद वाला तीन गेंदे निकाली जाती हैं, तो निकाली गई गेंदे लाल होने की प्रायिकता, क्वेश्चन वही रहेंगे कि निकाली गई गेंदे लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंदे हरी होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंदे नीली होने की प्रायिकता बताओ। और वो तीनों की तीनों निकाली गई गेंदे लाल नहीं होनी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए, हरी और लाल होनी चाहिए या हरी और लाल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन वही रहेंगे, लेकिन चेंज क्या हुआ कि अब थैले में से जो गेंदे निकालनी है वो दोस्तों तीन निकालनी है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, वही काम करो, नीचे वाला जो आंसर कैसे आएगा, टोटल गेंद कितनी है 12, 12 के पैर में सी, सी के पैर में जितनी निकालनी है चार निकालनी है तो चार, तीन निकालनी है तो तीन, ये लो दोस्तों तीन। अब इसको ओपन कैसे करोगे तो आपको पता चल गया होगा, 12 को कितनी बार खोलोगे, तीन बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे खुलेगा 12, 11 और 10, ये लो दोस्तों। अब तीन को तो तीन बार, तीन दो एक, तो दोस्तों काट दो, तीन को इससे काटा चार, दो को इसके काटा दो, 11 को 10 से करा 110 और दो, दोस्तों क्या आ गया 220 तरीके बनेंगे टोटल दोस्तों। अब इन सारे क्वेश्चनों में जब तीन गेंदे निकलेंगी तो नीचे जो आंसर आएगा वो दोस्तों 220 रहेगा। अब ऊपर वाला कैसे निकालोगे, वही तरीका। अब उसने पूछा है कि निकाली गई गेंदे लाल होने की, यानी कि जो तीन गेंदे निकालनी है वो लाल होनी चाहिए, तो दोस्तों वही तरीका फिर अप्लाई करो। लाल गेंदे कितनी है, चार है, चार के पैर में सी, सी के पैर में तीन, दोस्तों खोल लो, चार को जब तीन टाइम खोलोगे तो ये आ गया, ऐसी तीन को तीन टाइम खोलोगे, दो से दो तीन से तीन, तो क्या आया दोस्तों, चार तरीके हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 4/220। अब दोस्तों आप इसको क्या कर लीजिएगा, कैंसिल कर लीजिएगा, तो आपका दोस्तों निकाली गई गेंदे तीनों लाल होने की पर्यक्ता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/220, इसको कैंसिल कर लेना, वो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हरी का आ जाएगा, नीली का आ जाएगा। अब लाल ना हो तो दोस्तों इस केस में क्या करोगे कि जो तीनों गेंद निकालनी है वो लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल को आप छोड़ दोगे, भूल जाना। अब फिर वो गेंद तीन जो होंगी वो किस में से निकलेंगी, या तो ग्रीन में से, या ब्लू में से, या दो ग्रीन में से एक ब्लू में से, दो ब्लू एक ग्रीन, इस तरह से दोस्तों कंडीशनें बनेंगी, वही तो बताना है कि कितनी बनेंगी। तो क्या करोगे, इनको टोटल कर दोगे, ग्रीन और ब्लू में से निकलेंगी तो तीन और पांच आठ, आठ के पैर में सी, सी के पैर में तीन, तो आठ को तीन बार जब ओपन करोगे, तीन को भी तीन बार,
तो दोस्तों इसको इससे काटा तीन, तीन को तीन से काटा तो क्या मिला 8 7 56। तो आंसर क्या आएगा 56/220। इसको दोस्तों कैंसिल कर लेना, वो आपका आंसर आएगा कि जो तीनों गेंदे निकालनी है वो लाल नहीं होनी चाहिए, तो हमने दोस्तों लाल को क्या करा, छोड़ दिया। ऐसे दोस्तों उसने बोला कि हरी और लाल नहीं होनी चाहिए, तो आप हरी और लाल को छोड़ दोगे, फिर किस में से निकलेगी वो तीनों गेंदे? ओनली दोस्तों ब्लू में से निकलेंगी। तो ये था दोस्तों सबसे फेमस क्वेश्चन, क्योंकि किसी टाइम में क्वेश्चन आता था थैले में से एक गेंद निकाली जाती थी, दोस्तों वो तो सारे कर देते थे, लेकिन जब क्वेश्चन आने लग गया कि एक थैले में तीन निकालनी है, दो निकालनी है, तब उस केस में दोस्तों आपको एडवांस मैथ का ये फंडा सीखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन दोस्तों राइट निकल पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया, यहां पर एक बात और दिमाग में सेट कर लेना, यहां तो मैंने गेंदे ली है, जरूरी नहीं है कि यहां पर बॉल ही लिखी आ जाए, यहां पर आपको कंचे भी दे सकता है, चार लाल कंचे, तीन हरे कंचे, यानी आपको कुछ भी दे सकता है दोस्तों। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखना है कि उस थैले में से तीन निकालनी है, दो निकालनी है, या दोस्तों एक निकालनी है, और अभी तक चार निकालने वाला क्वेश्चन नहीं बना, ना पूछा गया, तो चार वाला भी आ जाए तो तरीका तो वही रहना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका आज का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो पहले मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर किसकी स्टोरी सुनाई थी दोस्तों, एक क्वाइंस पर सम बनाने सिखाए थे, फिर डाइस पर बनाने सिखाए थे, फिर आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का नामकरण उसको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे बना, और आज दोस्तों आपको क्या सिखाया, गेंदे यानी कि एक थैले में यादृच्छिक एक गेंद निकालनी हो, दो निकालनी हो, तीन गेंदे निकालनी हो, और दोस्तों आपको क्या सुनाया कि जो लीप वर्ष होता है और साधारण वर्ष पर प्रोबेबिलिटी के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोबेबिलिटी का आज का हमारा सेकंड पार्ट। दोस्तों ये सेकंड पार्ट तभी समझ में आएगा, इससे पहले आप क्या करो, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था दोस्तों वो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, पहले तो दोस्तों खुद देखो परखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं क्या करता हूं, बिल्कुल बच्चों की तरह इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इतना महान भी नहीं हूं कि और टीचर की क्या कर सकूं दोस्तों, बराबरी कर सकूं, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है दोस्तों आपको करवाने की, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।